वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि जनता अदालत में जनता के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद लेने आया हूं। ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा का नामांकन भरा जाएगा, उसमें हम मौजूद रहेंगे। स्वशासन और गरीब कल्याणकारी नीति के आधार पर भाजपा का परचम ग्वालियर में भी लहराए। जनता की अदालत में, जनता के चरणों में शीश झुकाकर उनके आशीर्वाद ग्रहण करने की आकांक्षी मैं हूं। आज ग्वालियर का नामांकन भी है, भरत सिंह जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर ग्वालियर में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप हर सीट पे मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी सीट कभी मत सोचो आप कि किसी आसानी के तहत जीती जाती है। जनता का प्रेम और आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए मेहनत मशक्कत हर व्यक्ति को करनी चाहिए।